एक और वीडियो में दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पे मैं एक फ़ोन का जो है डिस्प्ले निकाल कर इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दोस्तों रियलमी का मॉडल है जो कि C11 2021 मॉडल है। एंड यहाँ पर मैं इसको खोलूँगा, इसकी जो है डिस्प्ले मैं आपको दिखाऊँगा किस तरीके की होती है। एंड दोस्तों चैनल पे नहीं हुए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि मैं न्यू वीडियो पोस्ट करता हूँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन ज़रूर मिलेगा। एंड अगर दोस्तों अगर रिपेयर के रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की। लेकिन आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज करेंगे तो वहाँ पे मैं मैसेज ज़रूर देखता हूँ, तो आप मुझे फॉलो करके मैसेज भी कर सकते हैं। अभी मैं फ़िलहाल को फ़ोन को खोल रहा हूँ। एंड चलिए मैं इसको पूरा खोल कर आपको दिखा देता हूँ। एंड मेन मेन स्टेप जो है मैं आपको बोल कर बता दूँगा। अभी मैं सारे नट खोल लेता हूँ, चलिए देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपको बैटरी रिमूव करनी है एंड इसके बाद जो है बाकी चीज़ें आपको हटानी होंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाली लेयर जो है आपको हटानी है ताकि आपकी जो है बैटरी आराम से निकल जाए। एंड इसे पकड़ के हमें निकालना है। तो दोस्तों यहाँ पर जब हम खींचेंगे तो ज़्यादा टेढ़ा नहीं करना, अगर ज़्यादा टेढ़ा करेंगे तो हमारी बैटरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा टेढ़ी हो जाएगी। एंड इस बात का ध्यान रखना है कि बैटरी के आसपास कोई तिखी चीज़ बिल्कुल ना हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा बेंड हो गया है, अगर आपका बैटरी ज़्यादा बेंड हो जाता है तो आपको इस तरीके से नीचे बराबर जगह पे रखकर इसको दबा लेना है हल्के हल्के। ध्यान रखना है दोस्तों इसमें कोई भी तिखी चीज़ बिल्कुल भी नहीं लगनी चाहिए। तो देख सकते हैं मैंने इसे हल्के हल्के दबाकर सीधा कर लिया है और ये हमारा फ़ोन में दोबारा जो है अच्छे से फिट हो जाएगा। चलिए अब मैं फ़ोन की डिस्प्ले निकालता हूँ। दोस्तों मैं अपने चैनल पे बहुत सारी चीज़ें रिपेयर करके दिखाया हूँ, जैसे स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ हेडफोन्स, काफ़ी इजी तरीके से, एंड शॉर्ट वीडियो में भी मैंने बताया है, और यहाँ तक कि मैंने लैपटॉप और कंप्यूटर के बारे में भी बहुत सारी वीडियोस डाली है रिपेयर के रिलेटेड, सॉफ्टवेयर के रिलेटेड, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दो फ्लैक्स थी वो दोनों मैंने रिमूव करी है। एंड चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों इसको निकालने के लिए मैं इसके जो ये लेमिनेशन टाइप है मैं इसको कट करके निकाल दे रहा हूँ ताकि ईजिली हमारा निकल जाए। चलिए मैं इसको निकाल लेता हूँ। एंड इसके बाद हमें डिस्प्ले निकालने के लिए ये जो नीचे की लाइन है हमें उसे भी खोलना होगा, मतलब नीचे का जो स्पीकर है देख सकते हैं नीचे ये डिस्प्ले, यहाँ से अगर मैं निकालूँगा तो ये नहीं निकलेगा क्योंकि इसका जो दूसरा कनेक्शन है वो नीचे की साइड में चिपका हुआ है। चलिए मैं आपको फिर भी निकाल के दिखा देता हूँ। देख सकते हैं कि ये नहीं निकल रहा, तो इसके लिए हमें जो नीचे वाले सारे नट हैं वो खोलना होगा। एंड मैं इसे खोल के भी आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों एक बात और, अगर जब कभी भी आप डिस्प्ले अगर निकाल रहे हैं तो आपको कभी भी जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। यहाँ पे मैं आपको दिखाने के लिए खोल रहा हूँ, मुझे पता है कि वहाँ से खोलने के बाद ही ये निकलेगा, बट यहाँ पे आपको बिल्कुल ध्यान से निकालना है आराम से, क्योंकि यहाँ पे जो डिस्प्ले के कांच होते हैं वो चुभ भी सकते हैं, इससे आपके हाथ में चोट भी लग सकती है, कट सकता है हाथ। तो इस वजह से मैं आपको कह रहा हूँ बहुत ही ध्यानपूर्वक आराम से निकालना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि फ़ोन है एंड यहाँ पर कुछ नुकसान ना हो इसलिए मैं दो तीन बार ये बोल रहा हूँ कि आपको आराम से निकालना है। अब ये देख सकते हैं कि यहाँ पे सारी चीज़ें नट खोलने के बाद हमें दिखेगी। तो ऊपर जो दो फ्लैक्स था, एक साइड का फ्लैक्स जो है वो डिस्प्ले के लिए था एंड जो सेकंड वाली लाइन है वो नीचे की चीज़ों के लिए है। चलिए मैं इसको पूरा खोल के आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इसके सारे नट खोल लिए हैं एंड इसको इस तरीके से आपने निकालना है। तो अब देख सकते हैं कि ये वाला जो फ्लैक्स है मैं इसको निकाल देता हूँ, ये देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे कि ये वाला फ्लैक्स जो है ये सारी चीज़ें कवर करता है, मतलब नीचे की चीज़ जो है स्पीकर हो गया, चार्जिंग जैक हो गया, मोटर हो गया,
ये गाना सुनने वाला स्पीकर हो गया, माइक हो गया एंड नेटवर्क हो गया, तो वो सारी चीज़ें वहाँ उस लाइन से मैनेज होती है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी जो फ्लैक्स है, हाँ ये देख सकते हैं, ये कुछ इस तरीके से। तो ये वाली लाइन जो है, ये वाली लाइन, ये हमारी सारी चीज़ें जो नीचे की मैनेज होती है, जो कि मैंने बताया स्पीकर वगैरह। तो यहाँ पर इसकी गिनती भी लिखी होती है कि इसमें कितने कनेक्शन है, 30, 31, 15, 16। कई सारे टेक्नो फोन में ये ज़्यादातर होते हैं, बाकी फोन्स में तो अलग ही सिस्टम होता है, बट यहाँ पर आप देख सकते हैं एंड इसका जो कनेक्शन ये वाला है जैसा कि मैंने बताया। तो यहाँ पर आपको मैं दिखा दूँ कितनी चीज़ें हैं, देख सकते हैं हेडफोन जैक इसमें आ जाता है, वाइब्रेट आ जाता है, जैक आ जाता है, माइक आ जाता है, स्पीकर आ जाता है एंड नेटवर्क भी आ जाता है। और ये वाली जो लाइन है ये डिस्प्ले टच की है, तो ये अलग है वो अलग है। तो ये था हमारा डिस्प्ले एंड रियलमी C11 मॉडल है जो कि 2021 मॉडल में ये आता है। तो यहाँ पर मैंने आपको खोल के इतनी चीज़ें आराम से एक्सप्लेन किया है। दोस्तों अगर वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मैं मिलूँगा न्यू वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। एंड दोस्तों एक बात और, ये जो वायर है ये नेटवर्क की वायर है, अगर ये टूट जाती है तो आपके फ़ोन में नेटवर्क का बहुत इश्यू हो सकता है, तो इसका भी आपने ध्यान रखना है। तो मैं मिलूँगा न्यू वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू।